डियर स्टूडेंट्स, इसरो 2019 का एक और क्वेश्चन मेरे पास है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन था, इसरो में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ही रिलेटेड हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास बोल रहा है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देन डेल, डेल ऑपरेटर डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये डेल ऑपरेटर बेसिकली है क्या। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। तो वेक्टर ऑपरेटर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा ई के साथ में, तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनने वाली है। ये जो मेरे पास आने वाला है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा अगेन डेल के साथ, सपोज ये वेक्टर क्वांटिटी मान के चलता हूं मैं, वेक्टर ए आ गया। अब इस ए का जब डॉट प्रोडक्ट होगा डेल के साथ में, तो ये जो मेरे पास आने वाला है, ये होने वाला है एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी। आप डायरेक्ट बोलोगे सर आप आंसर जीरो बोल दो ना, बात इतनी सारी क्यों कर रहे हैं। मैं बात इतनी सारी क्यों कर रहा हूं, आपको थोड़ी देर के बाद समझ आएगा। अब ध्यान समझना, ये जो मेरे पास होता है डी सी डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट, मतलब डाइवर्जेंस और कर्ल, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। डी सी इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए इट शुड बी जीरो, इट इज ऑलवेज जीरो। ये मेरा की पॉइंट है, दिस इज व्हाट की पॉइंट। मुद्दे की बात पे आते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। नल वेक्टर और जीरो, ये दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे फ्रेम किए गए, इट इज अ गुड फ्रेम्ड क्वेश्चन। नल वेक्टर का मतलब भी जीरो ही होता है, क्लियर। यहां पर बट बात की गई है क्वांटिटी की, तो आप क्लियरली यहां पर चेक कर सकते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जनरेटेड क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। उस वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हुआ, इसका मतलब कैसी क्वांटिटी जनरेट हुई, स्केलर। और अगर इस स्केलर क्वांटिटी की बात करूं जिसका आंसर जीरो आने वाला है, तो मैं इसको नल वेक्टर नहीं बोल सकता, क्लियर बात। नल वेक्टर नहीं बोल सकते, बिकॉज जनरेटेड क्वांटिटी क्या है तुम्हारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी वेक्टर का, ध्यान समझिएगा प्लीज, अगर किसी वेक्टर का आप कर्ल निकालते हो, क्लियर, अगर किसी वेक्टर का आप कर्ल निकालते हो, अगर उस कर्ल की वैल्यू जीरो हो जाती है, वेक्टर का कर्ल निकालने का मतलब हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जीरो हो जाने का मतलब हो रहा है वो जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बट हम उसको बोलेंगे क्या, नल वेक्टर। ये जो वर्ड यूज किया है नल वेक्टर, हम उसको जीरो नहीं बोल रहे, बिकॉज द क्वांटिटी इज नॉट स्केलर, क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे और थोड़ा सा क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। एक वेक्टर मेरे पास है आर, इस क्वेश्चन को देखो, आंसर तो जीरो आ गया, बट क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है कि नल वेक्टर और जीरो का मतलब अंतर क्या हो रहा है। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा बस। अगर मैं इसका निकाल रहा हूं कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर आर की बात करते हैं, तो कर्ल ऑफ वेक्टर आर क्या होने वाला है, कर्ल का मतलब क्या, डेल ऑपरेटर का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ। अब देखो डेल ऑपरेटर अपन लिखते हैं आराम से, डेल ऑपरेटर क्या हुआ भाई, यहां तो आई जे के हम लिखने वाले हैं, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई लिखा मैंने, जे लिखा और के लिख दिया। डेल ऑपरेटर का मतलब क्या, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। यहाँ पे क्या आने वाला है आपके पास, आर के लिए एक्स हो गया, वाई हो गया और क्या, जेड हो गया, इज इक्वल टू आई जे के की मैं बात करता हूँ, तो ये मेरे पास आई। अब अगर मैं आई को छुपा एस के रिस्पेक्ट में, जेड के वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, या सॉरी जेड का वाई के रिस्पेक्ट में और वाई का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो माइनस जे, सेम यहां पर देख रहे हैं तो z का x के और x का z के रिस्पेक्ट में जीरो प्लस मेरे पास k, तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, y का x के रिस्पेक्ट में और x का y के रिस्पेक्ट में जीरो, डिफरेंशिएशन हुआ तो जीरो, तो ये जो वेक्टर मेरे पास आ रहा है दैट इज व्हाट, नल वेक्टर, क्लियर हुआ, दैट इज व्हाट, नल वेक्टर। समझने की बात थी, तो यहां पर स्केलर फॉर्म की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है, तो आंसर मेरे पास कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नल वेक्टर और जीरो रखा गया था, जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज अ
मैग्नीट्यूड बाय जीरो, अगेन इट इज अ जीरो, बट नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. थैंक यू सो मच.